हेलो मेरे साथियों, मैं मिथिलेश, आपके परिवार एस के मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का क्वेश्चन डील करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन चैप्टर नाम है भौतिकी राशि और मापन। भौतिकी राशि और मापन के बारे में हम जानते हैं क्या है, भौतिकी राशि और मापन क्या है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या जानना है कि विज्ञान क्या है और विज्ञान को कितने भाग में हम बांटे हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, विज्ञान क्या है उसके बारे में जानते हैं। विज्ञान कह रहा है कि भौतिकी जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं उनके गुणों के संबंध में परीक्षणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। और भौतिकी जगत से हमारा तात्पर्य उस संसार से है जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले हमेशा देखिए विज्ञान क्या है उसके बारे में आपका ये परिभाषा लिखा हुआ है। विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान का परिभाषा दे चुका है, विज्ञान के बारे में जान सकते हैं। कहता है विज्ञान क्या है या विज्ञान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले भौतिकी जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं उनके गुणों के संबंध में परीक्षणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्था ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। और भौतिकी जगत से हमारा तात्पर्य उस संसार से है जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को हम तीन प्रकार से बांटते हैं। पहला हो जाता है क्या, प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा औपचारिक विज्ञान, तीसरा सामाजिक विज्ञान। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान क्या है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान क्या है, उसके बाद औपचारिक विज्ञान क्या है। प्राकृतिक विज्ञान का अर्थ इसमें होता है कि प्राकृतिक विज्ञान को भी हम तीन भाग में बांटते हैं, उसके बाद औपचारिक विज्ञान को भी हम दो भाग में बांटते हैं और सामाजिक विज्ञान को भी हम दो भाग में बांटते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान को जो बांटते हैं तो प्राकृतिक विज्ञान में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद औपचारिक विज्ञान में दो आता है, जो कि एक आता है मैथ, उसके बाद दूसरा बोलते हैं लॉजिक। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में जो होता है, सामाजिक विज्ञान में क्या आता है कि मानव व्यवहार एक समाज होता है। तो याद रखेंगे सामाजिक विज्ञान में क्या आता है, मानव व्यवहार एक समाज आता है। औपचारिक विज्ञान में क्या होता है, एक गणित आएगा, उसके बाद लॉजिक आएगा। उसके बाद प्राकृतिक विज्ञान में क्या होगा, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान होगा। तो तीनों के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है हमको क्या कि विज्ञान क्या है, उसके बारे में हम यहाँ परिभाषा दे चुके हैं, विज्ञान का परिभाषा। उसके बाद विज्ञान कितने भाग में बांटा गया है, यानी विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया है। तो विज्ञान को बांटा गया है तीन भाग में। पहला भाग प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा भाग औपचारिक विज्ञान, तीसरा भाग सामाजिक विज्ञान। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को तीन भाग में बांटा गया है, प्राकृतिक विज्ञान को तीन भाग में बांटा है। तो पहला भाग, दूसरा और तीसरा। पहला भाग होता है भौतिक, पहला भाग भौतिकी, दूसरा भाग होगा रसायन, दूसरा भाग होगा रसायन, तीसरा भाग होगा जीव विज्ञान। विज्ञान अब हमेशा याद रखेंगे प्राकृतिक विज्ञान को कितने भाग बांटे हैं, तीन भाग में, एक भौतिक विज्ञान, उसके बाद रासायनिक विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान। उसके बाद औपचारिक विज्ञान को भी हम दो भाग में बांटते हैं, औपचारिक विज्ञान को दो भाग में बांटते हैं। एक भाग हो जाता है मेरा गणित, उसके बाद हो जाता है दूसरा भाग लॉजिक, दूसरा भाग हो जाता है लॉजिक। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान को भी दो भाग में बांटते हैं, सामाजिक विज्ञान को दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग होता है मानव व्यवहार, मानव व्यवहार, उसके बाद दूसरा होता है समाज। अब हमेशा यहां तीनों पॉइंट देख लिए हैं कि प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान हमेशा याद रखिएगा, और प्राकृतिक विज्ञान का कितना भेद होता है वो चीज आ गया, यानी प्राकृतिक विज्ञान में प्राकृतिक में जितना चीज होता है उसके बारे में हमेशा इसमें दिया हुआ रहेगा। तो प्राकृतिक विज्ञान हो गया, प्राकृतिक विज्ञान को हम तीन भाग में बांटते हैं, भौतिकी विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। उसके बाद औपचारिक विज्ञान में हो गया आपका गणित हो गया और लॉजिक हो गया, सामाजिक विज्ञान में हो गया मानव व्यवहार और समाज हो गया। तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। साइंस में हमको पढ़ना क्या है,
भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ये हमको औपचारिक विज्ञान नहीं पढ़ना है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ना है। ये औपचारिक विज्ञान अलग चैप्टर हो गया, ये सामाजिक विज्ञान भी मेरा अलग चैप्टर हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान खत्म होने के बाद हमको क्या पढ़ना है, रासायनिक विज्ञान। उसके बाद हमको पढ़ना है जीव विज्ञान। ये सारा चीज पढ़ने के बाद हम घुसेंगे किसमें, गणित में और लॉजिक में। उसके बाद आपको मानव व्यवहार और सामाजिक विज्ञान। तो सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना क्या है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम अभी जस्ट बता रहे हैं, भाग में बांटते हैं। प्राकृतिक विज्ञान को हम तीन भाग में बांटते हैं। पहला भाग था क्या, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो हमेशा इसमें एक चीज याद रखेंगे, सबसे पहले विज्ञान के बारे में आपको पूछेगा विज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो विज्ञान आपका तीन प्रकार का होता है। उसके बाद आपका विज्ञान में पहला प्रकार क्या होता था, तो पहला प्रकार क्या था, तो प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को भी हम तीन प्रकार, तीन भाग में बांटते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान को तीन भाग में बांटते हैं। तो पहला भाग हो गया भौतिक विज्ञान, दूसरा भाग रासायनिक, तीसरा हो गया जीव विज्ञान। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान है क्या चीज, प्राकृतिक विज्ञान कहते किसको है। तो देख लीजिए, प्राकृतिक विज्ञान कहता है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक परिघटनाओं का, कहता है विज्ञान की वह शाखा जो प्राकृतिक परिघटनाओं का विवरण, व्याख्या एवं भविष्य कथा, अवलोकन एवं अनुभव वन लक अनुभव जन साक्ष्यों के आधार पर करती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान को हम कितने भाग में बांटे हैं, तो तीन भाग में। तो प्राकृतिक विज्ञान का पहला भाग है भौतिक विज्ञान, दूसरा भाग रासायनिक, तीसरा जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान देखिए हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान फिजिक्स। ये फिजिक्स जो है, फिजिक्स शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक या प्राकृतिक चीजें। इसमें हमेशा क्या करेंगे, इसका तीन पॉइंट आएगा, दो पॉइंट आएगा। पहला पॉइंट हम देख रहे हैं क्या, पहला पॉइंट क्या कहता है, पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है तथा सेब के टुकड़ा पृथ्वी पर गिरने की परिघटना में गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिव्यक्त करता है। सबसे पहले हमेशा यहाँ देख सकते हैं क्या कि इसका पहला पॉइंट क्या दिया है कि पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु, मतलब पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। मतलब पृथ्वी द्वारा जितना भी वस्तु होता है वो एक दूसरे से क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही परिघटना का प्रयोग करता है। जैसे कहता है कि सेब का टुकड़ा, जैसे सेब का एक टुकड़ा है वो पृथ्वी पर गिरता है तो वो किसके कारण परिघटना करता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो परिघटना करता है। तो दूसरा टॉपिक में हमको क्या दिया है, सबसे पहले देखेंगे क्या कि अध्ययन की सुविधा, मतलब फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन चैप्टर से, टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चैप्टर का, टोटल चैप्टर का मेरे पास यहाँ पे वो नाम दे दिया गया है। तो सबसे पहले कहता है दूसरा टॉपिक में अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। मतलब भौतिकी को कितना भाग में हम बांटे हैं उसका हमेशा टोटल यहाँ चीज दे दिए हैं। पहला है क्या, यांत्रिक। आप लोग समझते होंगे कि पहला चैप्टर आपका यांत्रिक हो गया, दूसरा चैप्टर आपका तरंग गति हो गया, तीसरा चैप्टर आपका प्रकाशिकी हो गया। प्रकाशिकी हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोग 12th का क्लास में अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो उसमें आपका एक चैप्टर प्रकाशिकी होगा। प्रकाशिकी में आपका क्या क्या आ जाता है कि इंद्रधनुष का बनना, वर्ग निक्षेपण का बनना, उसके बाद होता है परावर्तन, अपवर्तन, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, मतलब जितना भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो ऑप्टिक्स से ही आएगा। उसके बाद आता है आपका क्या, आधुनिक भारत, आधुनिक भौतिकी। मतलब आधुनिक भौतिकी का मतलब ये हो गया कि आधुनिक भौतिकी में आपको हमेशा, ये 12th का भी ये क्वेश्चन है, मतलब आधुनिक भौतिकी भी आपका 12th से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आधुनिक भौतिकी में आएगा क्या, परमाणु का संरचना आएगा, उसके बाद आएगा लॉजिक गेट, नन गेट और गेट, ये सब चीज़ जितना भी आता है वो आपको आधुनिक भौतिकी में आएगा, आधुनिक भौतिकी। उसके बाद आपका उष्मा, उष्मा के बारे में खुद आप लोग जानते होंगे। उसके बाद ध्वनि, ध्वनि क्या चीज़ है वो भी जानते होंगे। कहता है विद्युत धारा एवं विद्युत का चुंबकत्व, यानी ये सारा चैप्टर जो है हमको किसके अंतर्गत पढ़ना होगा, वो भौतिकी के अंतर्गत पढ़ना होगा। अगर भौतिकी के अंतर्गत इतना चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं तो मेरा क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। तो याद रखेंगे हम क्या कि भौतिकी के अंदर सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, यांत्रिक पढ़ना है, यांत्रिक टॉपिक चलेगा, उसके बाद गति तरंग चलेगा, उसके बाद प्रकाशिकी चलेगा, उसके बाद आधुनिक भौतिकी चलेगा, उसके बाद उष्मा, उसके बाद ध्वनि और विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व। मतलब ये सारा चैप्टर हम आप लोग को पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले हम मेरा क्या होगा, यांत्रिक, यांत्रिक के बारे में हम जानेंगे।